तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टू वे स्विच का कनेक्शन हम पांच प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है और यहाँ पे टू वे स्विच के तीन टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टू वे स्विच है और इसके यहाँ पे तीन टर्मिनल है। इसका यूज हम स्टेयर केस वायरिंग, उसको आप जीना वायरिंग भी बोल सकते हैं, उसके बाद गोडाउन वायरिंग, बोगदा वायरिंग, इसके लिए इसका यूज होता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन हम पांच प्रकार से किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फेज वायर की ज़रूरत है। तो ऊपर का जो डायग्राम है वहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन कैसे किया है। तो यहाँ से एक फेज वायर लेना है आपको और पहले वाले टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है या सेंटर पॉइंट उसमें जोड़ना है। उसके बाद जो पहले वाला टू वे स्विच है उसका जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ से एक वायर लेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच के ऊपर के पॉइंट में जोड़ देना है। उसके बाद पहले वाले टू वे स्विच का जो नीचे का पॉइंट है वहाँ से एक वायर लेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच का जो नीचे का पॉइंट है इसमें जोड़ना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, यहाँ से एक वायर लेना है और उसे हम जोड़ेंगे दूसरे टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ जोड़ना है। तो इतना तो आपको समझ में आया रहेगा। उसके बाद यहाँ से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का, क्योंकि हमारे लैंप को न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ से इसको न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ पे हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से एक कनेक्शन है, बहुत ही आसानी समझने में, इसमें कुछ दिक्कत रहेगी तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे दूसरे टू वे स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फेज वायर लेना है, पहले टू वे स्विच के ऊपर के पॉइंट में जोड़ना है, ये वायर को कंटिन्यू करेंगे और दूसरे वायर टू वे स्विच का जो ऊपर का पॉइंट है उसमें जोड़ना है। उसके बाद न्यूट्रल वायर लेना है और यहाँ से पहले वाले टू वे स्विच में देंगे, उसके बाद इस वायर को दूसरे टू वे स्विच के सबसे नीचे वाले पॉइंट में देना है। और ये हमारे यहाँ पे हाफ वायर है और ये भी यहाँ पे इस तरह से आके पहले वाले टू वे स्विच में लगाए सेंटर पॉइंट में। तो इस तरह से ये दूसरा भी कनेक्शन है, यहाँ पे ऊपर डायग्राम भी है उसमें आप देख के आप समझ सकते हो। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ दिक्कत रहेगी तो मुझे आप बता सकते हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया रहेगा तो बोल सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। तो इसके बाद कनेक्शन करेंगे तीसरे प्रकार के टू वे स्विच का। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज वायर को आपको जोड़ना है, पहले टू वे स्विच का जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ जोड़ना है और उसी वायर को हमें दूसरे टू वे स्विच का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर हमारे पहले स्विच का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे जाएगा। उसके बाद उसी वायर को हम कंटिन्यू करेंगे और दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे लैंप से जो दूसरे वाला टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ जोड़ना है और पहले वाले टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से एक वायर हमारा लैंप को जाएगा। तो इस तरह से एक कनेक्शन है, बहुत ही आसान है समझने में। तो इस तरह से भी आप टू वे स्विच का कनेक्शन कर सकते हो। तो इसके बाद कनेक्शन करेंगे चौथे प्रकार के टू वे स्विच का। तो सबसे पहले आपको फेज वायर जोड़ना है, पहले वाले टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ जोड़ना है। उसके बाद पहले वाले टू वे स्विच का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से एक वायर लेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच का जो ऊपर का पॉइंट है उसमें आपको ये वायर जोड़ना है इस तरह से। उसके बाद पहले वाले टू वे स्विच का जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ से एक वायर लेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच का जो नीचे का पॉइंट है यहाँ जोड़ना है। उसके बाद लैंप से एक वायर लेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ आपको जोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का। तो यहाँ से एक न्यूट्रल वायर लेंगे और लैंप को देंगे तो यहाँ पर हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा और लैंप हमारा ग्लो करेगा। तो इस तरह से एक कनेक्शन है, बहुत ही आसानी समझने में। इसमें अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर पूछना। तो इसके बाद देखते हैं पांचवें प्रकार का टू वे स्विच का कनेक्शन। तो यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल मैंने बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया। इसका न्यूट्रल का कलर चेंज कर देते, यहाँ पे ब्लैक कर देते। तो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे पहले टू वे स्विच का फेज का। तो यहाँ पे हमारा फेज वायर यहाँ देना है, उसके बाद कनेक्शन करेंगे दूसरे टू वे स्विच का फेज का। तो यहाँ से फेज आ गया हमारा। उसके बाद कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का, तो पहले वाले टू वे स्विच का, तो यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल गया। उसके बाद कनेक्शन करेंगे दूसरे वाले टू वे स्विच का, तो यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया। ये सबसे बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे हो गया। तो उसके बाद लैंप से एक वायर लेंगे और पहले वाले टू वे स्विच के कॉमन में जोड़ेंगे और उसके बाद लैंप से और एक वायर लेंगे और इसको जोड़ेंगे दूसरे वाले टू वे स्विच के साथ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछ लेना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।